अंडर-19 गर्ल्स और बॉयज जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन समारोह किया गया आयोजित। मुझे याद नहीं है कि मैं इससे पहले कभी कल्चरल टूर्नामेंट पे आई हूँ। एक तो आप सबको बधाई है, विशेष करके जिन बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जिन टीचर्स ने और स्कूल्स ने इन बच्चों को तैयार किया। मुझे नरेश जी बता रही थी कि चंपा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में कुल 4 ऐसे स्कूल हैं जहाँ म्यूजिक टीचर उपलब्ध हैं। तो 4 म्यूजिक टीचर का भी हुनर हमने यहाँ देखा, बहुत अच्छा गायन उन्होंने प्रस्तुत किया। और अभी गुलशन जी कह रहे थे कि गंगर स्कूल के बच्चों की जो प्रस्तुति थी वाकई बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कहना कि ट्रेंड म्यूजिक टीचर होना और एक चमियार होना बराबर ही है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो चंबा से हैं, चंबा में नृत्य गीत संस्कृति रग रग में बसी हुई। जब यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी के बच्चे नवाला प्रस्तुत कर रहे थे तब भी ये बात आई कि इनको इन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की। मैं समझती हूँ कि नवाले के लिए आप अभी बोलो या जितने लोग हैं एक नवाला लगा के बैठ जाए। पार्टिसिपेट करना सबसे बड़ी बात होती है और आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हम सबका मनोरंजन किया, अच्छे अच्छे नृत्य गान ऑर्केस्ट्रा ये सारी चीजें यहाँ आप लोगों ने प्रस्तुति दी। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगी गुलशन जी और उनके जो पूरी गडियाली दिनों पे ऑर्केस्ट्रा बजाया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बड़ा मुश्किल काम है ये। नरेश जी बोल रही थी कि लड़कियां तो अक्सर जो गद्दी कल्चर है, जो हमारा नवाले का कल्चर है, जो हमारे यहाँ HD गाते हैं, इसको ये प्रस्तुति करेंगे। नरेश जी इनको कुछ कपड़े कपड़े और बना के दो ताकि ये जो है हमारी तरह लगे, इसको चोला चोला भी पहना दो और सुंदर लगेंगे। हमारे बच्चे अपने कल्चर को आगे ले जाएं, ऐसी उम्मीद रखते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बनारस। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, चंबा।